तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान पर कैटरीना का जादू सर चढ़कर ही बोल रहा है, जैसे कि उन्हें सलमान खान को कैटरीना के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सलमान खान की अब अपकमिंग फिल्म रेस 3 के बाद जो वो फिल्म करने वाले है भारत, उसमें भी उन्होंने अब कैटरीना को जगह दी है। हालांकि सलमान के ऑपोजिट लीड रोल में होंगी प्रियंका चोपड़ा, लेकिन फिर भी इस फिल्म में कैटरीना को भी एक महत्वपूर्ण और अहम रोल दिया है इसमें सलमान खान ने। और आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अलावा टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी भी है। और रूमर्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान तीनों के साथ ही रोमांस करेंगे, और जो कि हालांकि फिल्म में ज़्यादा स्क्रीन टाइम प्रियंका चोपड़ा को दिया जाएगा, लेकिन सलमान के साथ ज़्यादा स्क्रीन कैटरीना शेयर करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। आपको पता नहीं होता तो बता दूं, नीचे में आई बटन में लिंक भी दे दूंगा कि सलमान ने इससे पहले रेमो डिसूजा की एबीसीडी 3 में भी कैटरीना को एबीसीडी 3 फिल्म दिलाई है। और आपको बता दूं कि कैटरीना का जब करियर डूब रहा था तब सलमान ने ही उनका हाथ थामा था और उन्हें एक था टाइगर के जरिए आगे लाया था। और अब सलमान का अपकमिंग शो उसका दम में भी कैटरीना वो एज ए गेस्ट लाना चाहते हो। और सलमान का बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी उसके 12 पार्ट में सलमान होस्ट होंगी कैटरीना कैफ। शायद कैटरीना का जादू सलमान सर चढ़कर बोल रहा है, और इसकी वजह यह है कि वो अपने बाकी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, दे पा रहे है अपने दोनों भाइयों की दबंग 3 और एक और फिल्म प्रोजेक्ट के लिए। स्क्रिप्ट सुनने तक का उनके पास टाइम नहीं है, और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रूलिया वेंटुर भी इस बात से नाराज है कि उनके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। यानी कि कैटरीना का जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। इस साल कैटरीना बनेंगी मिसेस खान, देखने के लिए कोई भी नया अपडेट आई सबसे पहले मैं आपको दूंगा। तो गाइस वीडियो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो यार वीडियो लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो। बॉलीवुड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।